बहुत पुरानी बात है। चीन के दूर दराज के इलाके में शहंशाह वू की हुकूमत हुआ करती थी। शहंशाह का बहुत ही शानदार महल था, जिसका इतना बड़ा बागीचा था कि उसके मालिक को भी उसकी हद पता नहीं थी। वहां एक छोटी सी बुलबुल रहा करती थी, जो बहुत ही मधुर गाना गाती थी और सभी उसका लुत्फ उठाते सिवाय शहंशाह के। शहंशाह, शहंशाह, एक बहुत ही जरूरी खबर है। जापान के शहंशाह कल हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये सम्मान की बात है, उनका ऐसा स्वागत किया जाए जो कभी कोई नहीं कर सकता। शहंशाह वू के हुक्म के मुताबिक जापान के शहंशाह का बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ और खूब मेहमान नवाजी हुई। और वहां से जाते वक्त उन्हें बुलबुल की मधुर आवाज सुनाई दी और वो उस मधुर आवाज के दीवाने हो गए। कुछ दिनों के बाद हमारा हुक्म है कि जापान के शहंशाह की भेजी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाए। चाइना में बिताए हमारे वो दिन जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से थे। आपके आदर सम्मान ने हमारा दिल जीत लिया। आपके बगीचे की बुलबुल की मीठी आवाज को सुनकर तो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए। एक बुलबुल हमारे बगीचे में, हमने अब तक उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? शहंशाह ने हुक्म दिया कि बुलबुल को उनके सामने हाजिर किया जाए। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है प्यारे नन्हे पक्षी। शहंशाह ने बुलबुल को अपने महल में रखा ताकि वो रात दिन उसकी मीठी आवाज का लुत्फ उठाते रह सके। बुलबुल और शहंशाह दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, हुजूर, हुजूर, जापान के शहंशाह ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तोहफा बुलबुल का एक खूबसूरत खिलौना था जो चाबी भरने से गाना गाने लगता था। हमें ये खिलौना बेहद पसंद आया। हमारा हुक्म है कि इसे हमारे कमरे में रखवा दिया जाए। जब शहंशाह ने उस खिलौने से गाना सुनना शुरू किया, तब बुलबुल महल से उड़कर चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। फिर एक दिन जब खिलौना खराब हो गया, शहंशाह वू, मैंने दुनिया भर के खिलौने वालों से खिलौना ठीक करने को कहा, पर कोई भी उस खिलौने को ठीक नहीं कर पाया। शहंशाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने एक खिलौने की वजह से अपनी दोस्त बुलबुल को अकेला छोड़ दिया था। कई दिन बीत गए और खाना पीना बंद करने के कारण शहंशाह बीमार पड़ गए। इन्हें जिस बुलबुल से लगाव था, सिर्फ उसी की आवाज इन्हें बचा सकती है, वरना बहुत जल्द हमारे शहंशाह हमारे बीच नहीं रहेंगे। वैद्य की बात सुनकर सभी परेशान हो गए और तभी मेरी दोस्त, तुम आ गई। शहंशाह फौरन उठकर बुलबुल के पास चले गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और तब से बुलबुल और शहंशाह हमेशा हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि शहंशाह एक नकली बुलबुल की वजह से अपनी असली बुलबुल को खो बैठा। हमें हमेशा अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों के करीब रहना चाहिए और उन्हें कभी नहीं खोना चाहिए। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी,
मजे और शिक्षा के संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।